सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ पे जो गुस्सा है वो भी देश समझ रहा है और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। साथियों, एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया, जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रखिए, अपने जवानों पर भरोसा रखिए, पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये सब ये हमारे जवान तय करेंगे।